ऐसे तो पहुंच नहीं पाऊंगा। ये जर्नी आप लोगों तक मुझे करीब लाया था। जी जान लगा दूंगा इस 25 किलोमीटर के लिए। 1000 मीटर टू रीच उमलिंगला। हाँ तहिल स्ट्रॉंग बत तहिल। You are an inspiration. Yeah. We thought like you are not going to come. एक एक दिन एक एक पन्ना लिखा हो इस जर्नी के लिए। Finally you have done it. दी 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 दी। इतना महीनों का जो इंतजार था, लद्दाख राइड आज से स्टार्ट हो जाएगा। ये है सामने और ये आ गया पीछे। हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल। पता नहीं मेरा स्कूटर वहां तक चलेगा कि नहीं। अगर चलेगा तब मैं दिखाऊंगा मेरे पीछे ये लिखने का वजह क्या है। पूरा सीट के ऊपर देखिए बर्फ जम गया। गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करके रखा हूँ, मेरा ही गलती था। लास्ट डे में कवर के ऊपर पत्थर नहीं डाला था। लद्दाख राइड का अल्टीमेट टेस्ट उमलिंगला, जीत या हार आज पता चल जाएगा। सक्सेस और फेलियर के बीच बस कुछ ही घंटे का फासला है। बहुत दिनों का सपना था और आज वो सपना पूरा हो जाए, बस और क्या। लास्ट डे खालतो विलेज में रह गया था हंडले में। ओनली स्टे ऑप्शन ये वाला रास्ता देखिए। उमलिंगला जाने का मोटा मोटा सा तीन रास्ता है। एक खोटीला टॉप होके, दूसरा है ये वाला जो रास्ता दिखाया, इससे आगे बढ़ के मेटल अनमेटल डर्ट ट्रैक सब मिला के एक रास्ता आएगा। उगडुंगले होके जाके नुरगुला टॉप पे ही चढ़ेगा और अल्टीमेटली सिसुमले होके उमलिंगला जाएगा। तीसरा है यही सेम रास्ता सीधा रेगिस्तान में चढ़ जाएगा। वो सबसे शॉर्टकट है, लेकिन बर्फ और पानी गिरने से पूरा रेत कीचड़ से भर जाता है और कीचड़ में ऊपर पे चढ़ाई करना आप समझ सकते हो ना। गाड़ी का पहिया घूमेगा लेकिन गाड़ी चढ़ेगा नहीं। धूप एकदम सामने है, थोड़ा लेंस में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी घूम जाऊंगा, खोटीला होके जाऊंगा, उमलिंगला घूमूंगा, फिर रिटर्न आते वक्त नुरगुला का जो शॉर्टकट है वो होके आने का मन है। तो दोनों ही रास्ता आज देखने का चांसेस है। मैं श्योर नहीं हूँ, आगे जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट जो है ब्रेड और ऑमलेट पैक कर दिया है, कुछ केक्स और वाटर बॉटल ले लिया हूँ क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं मिलने वाला है। उमलिंगला टॉप में एक आर्मी कैफे है, कभी वो खुला रहता है कभी बंद रहता है, रिस्क नहीं ले सकता हूँ। दवाई का किट, रेन जैकेट, ये सब चीज जो इम्पोर्टेंट है ले लिया। गाड़ी में रिपेयरिंग किट है, पूरा लगेज मेरा पीछे खाली कर दिया। आज ड्रोन उड़ाने का कोई मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जिस ऑल्टीट्यूड पे जा रहा हूँ उसमें अगर खुद चल जाऊँ यही सबसे बड़ा बात है। अप्रोक्सीमेटली फोटीला होके उमलिंगला जाने वाला रास्ता है 80 किलोमीटर, फिर नुरगुला होके हल्ले वापस आना है मेरे स्टे में। सुबह 5 बजे मुझे निकलना था लेकिन 6 बजे निकला हूँ। सब कुछ रेडी करते हुए टाइम लग ही जाता है। सामान अपने घर में पूरा लॉक करके आया हूँ। जी जान लगा दूंगा आज। उमलिंगला की तरफ से फोटीला चढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है मैंने सुना है, इस तरफ से फोटीला चढ़ना रिलेटिवली इजी है। आज टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऊपर कोई स्टे नहीं है, मुझे रिटर्न आना ही होगा सब कुछ कवर करके। यही सबसे बड़ा रिस्क है ये जर्नी का। लास्ट डे रात और आज सुबह आधा आधा डायमॉक्स चला लिया हूँ, स्कूटर प्रॉब्लम कर रहा है। आज अगर ये चढ़ गया तो मेरा लद्दाख ड्रीम कम्प्लीट होगा। खालतो विलेज से जाओगे तो ये होगा आपका राइट टर्न वे टू उमलिंगला वाया फोटीला 92 किलोमीटर। आज पता चलेगा मेरे टी शर्ट पे क्यों लिखा है हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल। इसके बाद भी 2-3 स्पॉट रहेगा लेकिन समझ लीजिए लद्दाख का ये जो जगह है ये मेरा फाइनल टारगेट है। चढ़ाई शुरू फोटीला के लिए। गाड़ी बीच बीच में रुक जा रहा है, रेस देना पड़ रहा है, पता नहीं क्या हुआ आगे।
फुल थ्रॉटल में मेरा स्पीड देखिए कितना कम हो गया है, और यू टर्न में तो गाड़ी रुक जा रहा है कभी कभी। रास्ता कितना ऊपर तक गया है देखिए, उंगलियां जमना स्टार्ट हो गया दोस्तों। बहुत ठंड है, अभी तक तो फोटिला ही क्रॉस नहीं कर पाया। फोटिला टॉप तक मैं रुकूंगा नहीं, नॉन स्टॉप चलाऊंगा ये टारगेट करके निकला हूँ। क्या व्यू है ना, ऊपर से पूरा पहाड़ का रेंज दिख रहा है एकदम, लेकिन उसके साथ मेरा स्ट्रगल भी जारी है। गाड़ी फोटिला टॉप के पास आके रुक गया, बैठने से भी नहीं चल रहा है। उधर के एक्सलेट कर रहा हूँ फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं कैसे ऊपर तक पहुंचूंगा। जिसका डर था शायद वही होने वाला है, नहीं हो पाएगा शायद उमलिंगला। ऐसे तो पहुंच नहीं पाऊंगा, गाड़ी चल नहीं रहा है। वो सामने जो बाइक देख रहे हैं उनको बताया पीछे से थोड़ा धक्का मारने के लिए, वो लोग बताया उनका खुद का गाड़ी ऐसा शेक कर रहा है, फिर भी फुटरेस्ट में पैर लगा के धक्का मारा हिमालयन से, फिर भी नहीं चला। अब शायद मेरे किस्मत में नहीं है उमलिंगला, गाड़ी को रेस्ट देंगे थोड़ा। वो ऊपर तक फोटिला टॉप है, अब नहीं होगा तो नीचे चला जाऊंगा, मेरा किस्मत में जो है यही है। रिस्ट फोटिला टॉप, रुकेंगे नहीं। सामने जो रस्सी लगाया था वो खोल दिया, क्योंकि गाड़ी का जो क्रैश गार्ड से लगाया है वो टूट जा रहा है और पत्थर में गिर जा रहा था, और ये गाड़ी जो टेम्पो था उस पर चढ़ भी नहीं रहा है, इतना भारी है, उसका हाइट ज़्यादा था इसलिए नहीं चढ़ रहा है, छोड़ दिया। फोटिला टॉप पे रुका नहीं क्योंकि टारगेट है उमलिंगला। थोड़ा सा रस्सी लगा के कोशिश किया था, वो आदमी हार मान गया, छोड़ दिया, लेकिन हेल्प किया उतना उसके लिए ही बहुत है। मैंने बोला था गाड़ी चला लेने के लिए, कोशिश भी किया लेकिन गाड़ी चला नहीं टेम्पो में, टेम्पो का हाइट बहुत ज्यादा था, चलाने वाला प्लेटफॉर्म भी नहीं था। यहाँ पर दो तीन बाइकर और अगर होता हाथ लगाता तो चढ़ जाता शायद।
मेरा लाइफ का शायद टफेस्ट फाइट ये है। रास्ते में कोई बर्फ नहीं है, मैं आखिर तक कोशिश करूंगा। अब इसके आगे ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देता हूँ। थोड़ा डिजीनेस लग रहा है, डायमॉक्स तो लेके आया था, मेरा ऑक्सी 99 बोतल और नहीं है मेरे पास। कुछ बाइक वाले पीछे से धक्का लगाया, नहीं हुआ। फिर ये टेम्पो मिला, रस्सी से खींचा, गिर जा रहा था पत्थर पे जो हेयर पिन बेंड है। फिर लगा रिस्क है, गाड़ी चलाने के लिए कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। अब इंजन को रेस देते हुए जाऊंगा, फोटिला टॉप पे रुका नहीं उसी के कारण। गाड़ी का इंजन एक बार बंद करने से और चालू नहीं हो रहा है। अभी तो सबसे बड़ा चढ़ाई बाकी है, फोटिला में ही ऐसा हालत हो गया, पता नहीं उमलिंगला क्या होगा। ये जंक्शन देखिए, फोटिला टॉप से जैसे ही आप आएंगे कोई लिखा है 15 किलोमीटर और ये चला गया है सीधा उमलिंगला की तरफ। नुरबुला टॉप बुक के आप हल्ले उतर सकते हो फोटिला टॉप, और मुझे नहीं आना है चिसुमले 12 किलोमीटर। एकदम सुनसान इलाका है, चिसुमले ब्रिज से उमलिंगला का रास्ता कट जाएगा। सब तरीके का प्रिकॉशन लेके आइए। फोटिला ट्रॉप क्रॉस करने में क्या हालत हुआ, बाइकर वालों को बोला पीछे से धक्का मारने के लिए, गाड़ी को बोला रस्सी लगा के खींचने के लिए, कुछ भी काम नहीं आया। सबने ट्राई किया, हेल्प तो किया, लेकिन काम नहीं हुआ। उन सब लोगों को थैंक यू एटलीस्ट एफर्ट देने के लिए। अल्टीमेटली मैं अकेले ही पड़ गया, इंजन को बंद करता रहा, 5-10 मिनट रेस्ट देता गया, कुछ मीटर चलाता गया। ऐसे करते करते फोटिला टॉप पहुंचा। उमलिंगला तो फोटिला से भी ऊंचा है, उमलिंगला यहाँ से 37। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर मैं उमलिंगला नहीं पहुंच पाऊँ तो चिसुमले नुरबुला टॉप होके मुझे हल्ले वापस चला जाना होगा फोटिला की तरफ, और मैं नहीं आने वाला हूँ। जी जान लगा दिया हूँ यार उमलिंगला पहुँचने के लिए, मेरे अंदर में और कुछ बचा नहीं है। चिसुमले ब्रिज पहुंचने ही वाला हूँ। द अल्टीमेट स्ट्रगल विल बिगिन, रोड टू उमलिंगला, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, सक्सेस और फेलियर क्या आएगा मेरे नसीब में। फोटिला में जो हुआ उसके बाद से मेरा मोरल टूटा तो नहीं, लेकिन थोड़ा डिसहार्टन हुआ हूँ। इतना फाइट करके फोटिला क्रॉस करना पड़ा, उमलिंगला कैसे पहुंचूंगा। चिसुमले ITBP पोस्ट, ये है चिसुमले ब्रिज। उस तरफ से अगर आप आएंगे नुरबुला टॉप से वे टू उमलिंगला, मुझे रिटर्न जाने वक्त उस तरफ से जाना है। आप उस तरफ से भी आ सकते हो जो मैं दूसरा रोड बता रहा था। वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। चलो द स्ट्रगल बिगिंस, जीत या हार, जी जान लगा दूंगा इस 25 किलोमीटर के लिए। अब उमलिंगला तक थ्रॉटल फुल रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइम, उमलिंगला पहुंच पाऊंगा तब ना। है द हिल स्ट्रॉन्गर द व्हील, चिसुमले से तो रास्ता सही है। पहले तो उमलिंगला जाने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था, अभी पूरा खोल दिया गया है। द ऑल्टीट्यूड इज हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, द जर्नी व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट। आज वही एवरेस्ट बेस कैंप के ऑल्टीट्यूड को तोड़ने जा रहा हूँ। उमलिंगला 21, डेंचॉक 48, इसका मतलब उमलिंगला से डेंचॉक 27 किलोमीटर है। यहाँ से जितना हो सके मैक्सिमम कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। मैं अपना गोप्रो को चार्ज में ही बिठा दिया हूँ पावर बैंक से, वैसे ही जाऊंगा, थ्रॉटल छोड़ूंगा ही नहीं। मैं थ्रॉटल छोड़ देने से ही मेरा गाड़ी रुक जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इंजन खराब हो जाएगा, मुझे यहाँ रात बिताना पड़ेगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट एफर्ट यहाँ से दे के ही जाऊंगा। आज कोई अफसोस नहीं रहना चाहिए घर वापस जाने के बाद। है द हिल स्ट्रॉन्गर द व्हील, डर के आगे जीत या हार। ये लद्दाख सीरीज इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर ये मैं नहीं कर पाऊँ तो। आज फोटिला में मुझे लगा था सब खत्म, कैसे इधर तक आया मुझे ही पता है। गाड़ी को धकेलते हुए जाऊंगा, लेकिन लेके जाऊंगा उमलिंगला तक। मैं बहुत हार्ड किस्म का आदमी हूँ, जनरली इमोशनल होता नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। नाइन टू टेन किलोमीटर अवे, यस, ये बाइक वाला मुझे फोटिला में देखा था स्ट्रगल करते हुए। एक एक दिन एक एक पन्ना लिखा हूँ इस जर्नी के लिए। एवरेस्ट बेस कैंप के बाद शायद ये एक जर्नी है जिसके लिए मैं इतना एफर्ट दिया हूँ। यू आर नाउ एट द एवरेस्ट बेस कैंप। आते वक्त अभी नहीं,
अभी गाड़ी को रोकूंगा नहीं। जिन्होंने मेरा एवरेस्ट बेस कैंप सीरीज देखा है आई थिंक आज वाला स्टोरी और भी ज्यादा रिलेट कर पाएगा। या तो ये स्कूटर दम तोड़ेगा या फिर इसकी उंगली का लाचार नहीं होगा। चढ़ जा भाई। थ्रॉटल को दबा के रखा हूँ, उंगलियां दर्द कर रहा है लेकिन छोड़ूंगा नहीं। लास्ट 7-8 किलोमीटर का स्ट्रेच गोप्रो को मैं ऑफ करूंगा ही नहीं। हैड द हिल स्ट्रॉन्गर द व्हील, हैड द हिल स्ट्रॉन्गर द व्हील। खींच खींच खींच। मेरा गाड़ी यहाँ रुक गया है और वह है उमलिंगला। ये दिखने में इतना लग रहा है लेकिन है बहुत दूर, पैदल ले जाना पड़ेगा तो ले जाऊंगा। भगवान साथ दे देना। चलो चल चल चल, रुकना नहीं। चल मीटर टू रीच उमलिंगला। मेरे सपनों से 1000 मीटर का फासला। ये गाड़ी वाला ने भी मुझे देखा था फोटिला में लड़ते हुए, खुश होके हाथ दिखाया। हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल, हायर द हिल stronger the will, higher the hill 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 stronger the will. Done umligla, done बस हार नहीं मानना है। द टफेस्ट चैलेंज एंड फाइट टू अचीव इट। यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज है क्या हाईएस्ट नहीं है, यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे, वर्ल्ड हाईएस्ट पार्किंग, वर्ल्ड हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफे।
दिस टू पर्सन आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। गाड़ी जब फोटिला में रुक गया था, अपना गाड़ी रोक के मुझे बहुत देर कोशिश किया, गाड़ी को धक्का लगा के पैर से गाड़ी को पुश करके ले जाने के लिए मेरे लिए बहुत देर वेट किया, गाड़ी चला नहीं, फिर मैंने जाके बोला तब जाके छोड़ा, नहीं तो ये दोनों मुझे छोड़ के आते ही नहीं। दे आर जस्ट अमेजिंग बडीज एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। नो लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन, वी थॉट लाइक यू आर नॉट गोइंग टू कम, यू आर नॉट गोइंग, लाइक स्कूटी इज नॉट इन स्टार्टिंग, यू कम डोंट लाइक इफ वी मीट नियर फोटिला पास, वी थॉट लाइक हाउ एवर वी हैव टू सी यू, वी वर थिंकिंग वी हैव टू मीट एनी कॉस्ट, अल्टीमेटली अल्टीमेटली वी ऑल रीच टू मिंगला, वी डोंट वांट टू गो एनी डाउनहिल, या श्योर श्योर, so happy to meet you, stay connected, we are happy to meet you, we are even more, we are thinking like I tried my heart out, bye, ride safely। यहाँ तक आए हैं तो कैफे में एक चाय तो बनता ही है, दारू मिलता है इधर, मत कीजिए भाई, पहाड़ों पे गाड़ी चलाना भी तो है ना, पूरा जर्नी खत्म होने दीजिए, उसके बाद बहुत लेट हो गया, डेम चौक का परमिशन रहते हुए भी इतना मेहनत से निकाला था, लेटर लिख के नहीं जाना होगा। यहाँ पर डेम चौक का आदमी खड़ा है, जिसका कैफे है वो डेम चौक से ही है। वैसे डेम चौक में स्पेशल क्या है? स्पेशल छोटा कैलाश है। छोटा कैलाश? छोटा कैलाश, छोटा कैलाश, LAC उसके पास से ही है, LAC उसके पास है। गांव में दूसरा और कुछ है नहीं देखने के लिए, डेमचक के अंदर एक हॉट स्प्रिंग है बस, चाइनीज वाला को देख सकते इस पर से उस पर, पत्थर फेंक के मार सकते हैं इस पर से उस पर, टूरिस्ट अलाउड नहीं है इसलिए डेमचक में स्टे वगैरह नहीं मिलेगा, छोटा सा गाँव है, छोड़ देते हैं। क्या नाटा नाटा, चार फीट वाला चाइनीज वाला को देखने के लिए जाएंगे, फटाफट निकलते हैं नूरबुला टॉप होके हल्ले, आगे रास्ते है देमचौक का, छोड़ के जा रहा हूँ, देमचौक में कुछ और खास है नहीं इसलिए मन नहीं किया, यहाँ 30 मिनट्स टाइम स्पेंड करना चाहिए उससे ज्यादा नहीं, देर से 2 घंटा स्पेंड कर लिया, इतना अच्छा लगा, सब लोगों का फोटो निकालना, खुशी से कूदना, सब देख लिया, मजा आ गया, इससे ऊपर कोई रोड बना ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, उमलिंगला शायद और कभी नहीं आऊंगा, फाइनली अलविदा, हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल, बाय बाय। आप लोगों के विश की वजह से ही शायद आज इतना मुश्किलों के बाद भी मैं यहाँ तक पहुँच पाया, एक जगह मुझे रुकना ही है, मेरा कुछ अलग इमोशन और सेंटिमेंट है वहाँ पर जो लिखा है उसके साथ, रिटर्न जाना है नूरबुला टॉप होके डेमचौक का, गांव के अंदर घुसने का परमिशन निकाल के भी मैं नहीं गया, थोड़ा सा खराब लगा, लेकिन एक तो लेट हो जाता है, दूसरा गांव के अंदर और कुछ है नहीं, और फिर से अगर उमलिंगला गाड़ी मेरा चला नहीं हल्ले कैसे पहुंचता है, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना पड़ता है, जोश के साथ होश भी दिखाना पड़ता है, मेरा मंडी में जो गाड़ी गिरा था क्रैश गार्ड भी सामने से जो सपोर्ट है वो टूट गया है, इसलिए क्रैश गार्ड सामने की तरफ थोड़ा झुक गया है, पेट्रोल की वजह से ये खुल के गिर ना जाए, आप लोगों को ये जर्नी में दोनों ही रास्ता दिख गया, फोटिला वाला भी और नूरबुला भी, कौन से रास्ते से आना है ये आप लोग चॉइस कीजिएगा। यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, जाते वक्त दिखाया था, और अभी यहाँ रुकूंगा, रुकना ही पड़ेगा। एवरेस्ट बेस कैंप, यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। ये जर्नी आप लोगों तक मुझे करीब लाया था, और मैं टारगेट किया था इससे ऊपर पहुंचने की, उमलिंगला मेरा पूरा लद्दाख सीरीज का फाइनल टारगेट था, इसके बाद भी कुछ स्पॉट कवर करूंगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा कितना इमोशनल हूँ आज, कोलकाता टू लद्दाख ऑन स्कूटर सोलो, मुझे भी सर बाय, लद्दाख एंड एवरेस्ट बेस कैंप कभी नहीं भूलूंगा दोनों को, फॉलिंग बैक इज नॉट इन माई ब्लड, स्कूटर टूटा क्रैश गार्ड सामने झुक गया लेकिन पहुंचा, पूरा लद्दाख सीरीज में ये जगह वाला फोटो मेरे लिए सबसे स्पेशल है, नीचे उतरने के टाइम में ब्रेक में बहुत लोड पड़ता है इसलिए ब्रेक गर्म होने के कारण कभी कभी ब्रेक फेल भी हो सकता है, ध्यान से चलाना होगा, पहले तो ये रास्ता लेके चिशुमले तक नीचे जाना है, सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं अपना गोप्रो उल्टा लगाया हूँ, मैं अंडर चीन माउंट इसलिए करता हूँ, ये जो व्यू है ना एकदम सीधा मिलता है, थोड़ा सा गाड़ी का भी मिलता है, मुझे डर है मेरा क्रैश गार्ड टूट के गिर ना जाए कहीं से, दोनों पेट्रोल का जो वजन है राइट साइड वाला में पेट्रोल नहीं है लेकिन लेफ्ट साइड वाला में है, आज जाके हल्ले में वो भी फील कर लूंगा, मैं सोचा नहीं था इतना हाई ऑल्टीट्यूड में ड्रोन उड़ाऊंगा।
सिसुनले में कुछ रहने का ऑप्शन है, रहना और खाने का। अगर बाई चांस आपका कुछ लेट हो गया तो देख लीजिए, न्यू नोमैडिक कॉटेज ऑप्शन है। शाम हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप यहाँ पर स्टे ले सकते हो, सिसुनले ये ब्रिज के पास। इतना सारा बाइक रुका है, देखो। सिसुनले में खाने का ऑप्शन है, मुझे लगा था कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लिंगला रूट में आते हो यहाँ से आप कर सकते हो लंच। मुझे कुछ नहीं मिलेगा इस डर से मैं पैक करके लाया था ब्रेड ऑमलेट। अच्छा है कि नहीं पैकेट में, थोड़ा सा खा के देखते हैं। ठीक है, खा सकते हैं। खाने का ऑप्शन भी देख लो, जस्ट दो ही बना है, कुछ दिन बाद शायद पूरा जगह कमर्शियलाइज हो जाएगा। सिसुनले ब्रिज में कर लिया लंच। फोटिला से आया था मैं उस तरफ से, मुझे जाना है अभी इस तरफ नूरबुला टॉप। 17 किलोमीटर लिखा है। यहाँ पर लिखा है हल्ले, तो बड़ा वाला रास्ता छोड़ देता हूँ, ये मिट्टी वाला रास्ता ही ले लेता हूँ। घूम के ये वाला रास्ता भी उगतुंगले होके हल्ले ही जाता है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है। मुझे तो हल्ले पहुँचना है बारिश से पहले, इससे भी ज्यादा खतरनाक रेत आने वाला है। ये ट्रैक छोड़ के मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर और कुछ है नहीं रास्ता ढूंढने के लिए। तेज हवा चल रहा है, ये देखो रास्ते का कंडीशन। इससे जब आप चढ़ोगे ना तो पता चलेगा, पहिया घूमेगा लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। इसी रास्ते से लोग जाते हैं उमलिंगला, लेकिन ये मिट्टी वाला रास्ता अगर बारिश या स्नोफॉल हुआ तब तो देखने लायक है। सोच सकते हो उतरने में ऐसा हालत हो रहा है तो चढ़ने में क्या होगा, इसलिए लोग फोटिला वाला रास्ता लेके आते है। ये फुल रास्ता ऑफ रोड है, अगर आपको ऑफ रोड करके उमलिंगला जाना है तभी मैं इसको रिकमेंड करूंगा, नहीं तो आप रिटर्न आते वक्त ये रास्ता लीजिए, जाते वक्त मत लीजिए। दुंगले वाला रास्ते में भी काफी ऑफ रोड मिलेगा आपको, चलाते रहो, रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहिए का निशान बन गया है। कभी कभी दो तीन अलग अलग ट्रैक बन जाता है लेकिन आगे जाके वो मिल जाता है एक ही जगह पे। रेत की कहानी शुरू, बहुत संभाल के चलाना होगा, जहाँ ज्यादा रेत है वो ट्रैक छोड़ के मैं हट जा रहा हूँ। ये लद्दाख सीरीज का ऑलमोस्ट टेल तक आ गए हैं। भाई ये रास्ता हल्ले क्या है ना, हल्ले हल्ले, पता नहीं झाड़ियों में क्या कर रहा था, यही बाकी था, घने बादल मेरे लिए वेट कर रहा है। आओ तुम्हारे ऊपर बरसाएंगे। सरस्वती पहाड़ के ऊपर हल्ले ऑब्जर्वेटरी दिख रहा है। ये रास्ते में एक बार भी मुझे मैप खोलने की जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ टायर मार्क देखते हुए चलाते गया, पहुंचने से पहले ये बारिश ना शुरू हो जाए। रुक गया, हल्ले घाव की झलक, एक्चुअली हल्ले नहीं खलदो, जहाँ पर होम स्टेस वगैरह सब है। अरे ये तो जोर बारिश हो रहा है, रेनकोट पहनना पड़ेगा, थोड़ा रुक नहीं सकता था साला। अरे कौन सा रास्ता है भाई, ये किसके ऊपर से चला रहा हूँ मैं, लेंस के ऊपर पानी है कि नहीं। एक इधर गया है एक उधर गया है, अरे ये क्या, इतना पानी कहाँ से क्रॉस करूंगा, माय गॉड। पूरा भीग गया, जूता भीग गया, जूता भीग गया, जूता भीग गया, शिट। बड़े बड़े पत्थर थे, पहिया फंस गया, कैसे राइड करूंगा अभी कल ये जूते से। अब इसमें से कौन सा है, शायद इस तरफ, गांव तो इस तरफ ही है। तो फाइनली यू हैव डन इट। यस आई डिड इट, ऊपर का फिर बाद में कुछ दिक्कत नहीं। फोटिला टॉप क्रॉस करने के बाद उमलिंगला जाने के बाद तब भी प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने भी बाद में सोचा कि ये रिस्क है एक्चुअली, कि
गाड़ी सपोर्ट नहीं कर रही है और हम फिर भी हाँ रिस्क तो है स्कूटर तो मतलब इतना हाई ऑल्टीट्यूड में वेस्ट बंगाल से है नंबर सर थैंक यू आप कहाँ से हो महाराष्ट्र पुणे से फोटिला में जो हुआ था उसके बाद से बहुत खराब लग रहा था कि इतना महीने का स्टडी किया सब कुछ किया और सब सपना चकनाचूर हो जाएगा बहुत दुख हुआ लेकिन जब उमलिंगला चढ़ते गया तब अंदर से मतलब पता नहीं क्या एक फीलिंग आ गया अच्छा लगा ये दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर ये सच में ये जो आपने पूरा खींचा है ना बहुत बढ़िया आपने मुझे लिफ्ट मांगा बाद में उसको लिफ्ट मांगा और वो भी बाइक ने हेल्प करने की कोशिश की गाड़ी ने हेल्प करने की कोशिश की वो वाला गाड़ी आके रस्सी बांधा फिर रस्सी बांधने से क्या हो रहा है जैसे ही टर्निंग पे साइड में तो बोल्डर से और गाड़ी तो चला जा रहा है और मैं ऐसे गिर रहा था वो ये तो रिस्क है मैं कहीं भी खाई में जा सकता हूँ फिर वो क्या किया स्कूटर को चलाना चाहा और उसके पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था दोनों मिला के चला भी नहीं पाया फिर मैं इंजन को बंद करके बैठा रहा कुछ देर बाद स्टार्ट किया 50 मीटर गया फिर बंद हो गया बंद कर दिया फिर स्टार्ट किया कुछ देर बाद 50 मीटर गया ऐसे करते करते 40 ट्रॉप क्रॉस किए फिर तो रुका ही नहीं फिर आपका क्या क्या प्लान है कितने इसके बाद सोमोरिरी सोकर बस उसके बाद मनाली ले हाईवे चढ़ना है आज का एडवेंचर और मेरा स्ट्रगल कैसा लगा मैं अपना चैनल को स्पैम करके कमेंट करने के लिए नहीं बोलूंगा सच में दिल से अगर आपको अच्छा लगे तब बताइएगा मैं वो सब चीज करके उल्टा सीधा अपना चैनल को प्रमोट करना नहीं पसंद करता हूँ चैनल में अगर कुछ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेटिव चीजें आता है लोगों को पसंद लगता है देखने में तब मुझे खुशी मिलता है चलो पहुंच गया GoPro बंद हो जा भाई अच्छा इंग्लिश में बोलना पड़ेगा दूसरा जेरिकन भी खाली हो गया यहाँ हल्ले से ही ब्लैक में खरीद लूंगा सोमोडिरी सोकर तक तो चल जाएगा सोकर से टंडी के बीच में और कुछ नहीं मिलेगा सोकर से शायद टंडी 250 किलोमीटर के आसपास होगा फिलहाल 5 लीटर पेट्रोल खरीद लेता हूँ बाहर ओपन मार्केट से पेट्रोल लिया 5 लीटर 750 रुपए उसके साथ थोड़ा कोक और चॉकलेट लिया 100 कोक और चॉकलेट कोक और चॉकलेट लिया 100 रुपए पता नहीं मैं क्या खाया पेट में कुछ अजीब अजीब आवाज आ रहा है लोचा हो गया पेट ठीक नहीं है दाल चावल आलू का कड़ी अंडा भुजिया ये क्लाइमेट के लिए अच्छा रहता है बस कम कर फोटो लो सबका सब मिलते अभिषेक सर आप भी आइए यूट्यूब में जब देखेंगे तो घर पे बताऊंगा अभिषेक सर सर आपको हुड थोड़ा पीछे करें चेहरा नहीं दिख रहा हाँ में सब लोग एक सही से दिख रहे थैंक यू आज बहुत टायर्ड हूँ उसके साथ पेट में इतना प्रॉब्लम लद्दाख सीरीज में कुछ पल हमेशा याद रहेगा उसमें से आज वाला नेक्स्ट डे निकलने वाला हूँ यहाँ से सोमोरिरी की तरफ लद्दाख सीरीज के एंड स्टेज पे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ संडे आ जाइएगा देख के मजे लेंगे